Yes, students, today we will discuss some important objectives which may be asked in your examination, that is the examination of JKSSB Finance Accountancy Assistant. Expected questions, कुछ expected questions हम आज discuss करने वाले हैं जो इस टेक्स्ट बुक की है. इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 16 जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. वी हैव हियर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है. 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 7, 8x प्लस 12y इक्वल टू 5. नाउ क्वेश्चन इज हियर फॉर व्हाट वैल्यू आपके के किस वैल्यू पे. डियर स्टूडेंट्स, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन. यहां पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्यों है, हमें अब ऑब्जेक्टिव इस तरह आ सकता है, इस सिस्टम में हमें के का वैल्यू बताना है जब इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जब ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है एंड वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड एट माय चैनल द सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसके लिए 3 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं. कौन सी कंडीशन है, किस कंडीशन में एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन नहीं होते हैं एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. 3 वीडियोस अलग अलग से 3 वीडियोस अपलोडेड है, उनको आप देख सकते हैं. यहाँ पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ऑब्जेक्टिव इस तरह आ सकता है, के का वैल्यू हमें बताना है जबकि इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन फॉर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू हैव नो सॉल्यूशन इज दैट इज a1 बाई a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. ये कंडीशन है. डियर स्टूडेंट, जरूर उन वीडियोस को देख लेना, तभी आपको ये समझ आएंगे इजीली. वी हैव हियर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 as we have linear of linear equation, that is a1x plus b1 by plus is equal to c1 a2x plus b2y is equal to c2. As we have these two pair of linear equation, then this pair of linear equation have no solution. This condition satisfy. Now compare, these are the coefficients of x. a1 is coefficient of x in first equation, b1 is coefficient of y in first, and this is constant term. इसी तरह के coefficients of second equation के. Now we see here coefficients of this. We have here 2/8. It is k by 12, it is 7 by 55. ये तो इक्वल होना चाहिए. By this condition, not equal. अब k का वैल्यू यहां पे क्या होगा, अगर हम ये दो लेंगे, we see here, अगर इन दो को हम लेंगे, that is 2/8, it is equal to k by 12. We get here 2 1s are 2 4s are, ये यहां जाएगा, that is k is equal to 12/3. We have 3 1s are 3 4s are. तब जाके k का वैल्यू हमारे पास 4 है, which is not equal to 7/5. We have here option A is the correct answer. A is the correct answer. ये दोनों इक्वल होने चाहिए बट नॉट इक्वल टू दिस. अगला फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस बुक, ये मेरी पब्लिश की हुई बुक है जो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है. इसी टेक्स्ट बुक पे एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रहे हैं आज हम यहां. डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी को ये बुक चाहिए वो मार्केट से ले सकता है. नाउ वी डिस्कस
वन मोर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 17 इस टेक्स्ट बुक का, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम हमारे पास गिवन है, एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 4 टू एक्स प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 8। नाउ देन फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के किस वैल्यू पे द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, हमें इस के का वैल्यू बताना है जब इस सिस्टम के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। डियर स्टूडेंट्स, द कंडीशन फॉर हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज से a1 ओवर a2 इट इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इट इज इक्वल टू c1 ओवर c2 एज दीज टू आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट वन a1, b1, c1 are the coefficients of equation first, a2, b2, c2 are the coefficients of equation second. Now see this, यही condition हमें यहाँ पे use कर रहे हैं, that is इसका coefficient 1 है, 1/2, it is equal to, यह हमें k/6 के बराबर आना चाहिए, it is equal to 4/8. Clearly आप इन दो को भी ले सकते हैं, इन दो को भी ले सकते हैं। अगर हम k/6 = 1/2 लेंगे, 2 1s are 2 3s are, k 3 1 के साथ मल्टीपल होगा, दैट इज k = 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट, इज नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज हियर लाइक दिस, वी हैव हियर the system of linear equation. System of linear equation is, we have 5x plus ky equal to 7. Second equation is 10x plus 18y equal to 5. Then forward value of k, k ki kis value pe the system of linear equation has unique solution ki is system ka unique solution hoga. उस यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी इज गिवन सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ सी दिस, a1 दैट इज हियर 5/10 इज नॉट इक्वल टू k/18। नाउ सी दिस, 2 5s are 2, 9s are 5, 1s are 5, 1s are 9, इसके साथ मल्टी, दैट इज के इज नॉट इक्वल टू 9, के 9 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सभी वैल्यूज के ये कंडीशन होगी, जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तब जाके यहां पे इस सिस्टम में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन होता है। नाउ वी टेक दिस कंडीशन, यहां पे k इज नॉट इक्वल टू 9, k जब 9 के बराबर नहीं होगा, k जब 9 के बराबर नहीं होगा तब जाके क्या होगा, इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा, 9 के अलावा जो भी नंबर होगा यहां पे k के प्लेस पे, जो भी एक्सेप्ट 9, वी गेट हियर दिस सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन, मीन्स 4 इज करेक्ट आंसर, 7 इज करेक्ट आंसर, 3 इज करेक्ट आंसर, तब जाके ये तीनों वैल्यूज पे इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉरी यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है यहां पे, इफ ए लीनियर इक्वेशन 2x + 5y = 7, 19th ऑब्जेक्ट, द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2x + 5y, इवन सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन हो सकता है, सॉल्यूशन ऑफ ए सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इज फाइनाइट इनफाइनाइट काउंटेबल, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जाम
के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। एनी यहां पे पर्टिकुलर इफ वी हैव ए सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, ऑप्शन में इस तरह आ सकता है फाइनाइट इनफाइनाइट काउंटेबल नन ऑफ दिस। जब एक ही इक्वेशन यहां पे होगा तब जाके इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। रिमेंबर दिस डेफिनेशन में भी आप मैंने अपलोड किया था लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहां पे ये सारा डिस्कस किया हुआ है। यहां पे इसका करेक्ट ऑप्शन है इनफाइनाइट, वो सेट होगा सॉल्यूशन सेट इनफाइनाइट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम देख लेंगे, एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एक्स प्लस के वाई सिस्टम है यहां पे इज इक्वल टू 7 एक्स प्लस वाई इट इज इक्वल टू 5। ये सिस्टम देन फॉर व्हाट वैल्यू आपके दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। यहां पे अगेन दिस सिस्टम के किस वैल्यू पे इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। एज यू कैन डू दिस एज वी डू दिस ऑब्जेक्ट, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, आप इसको जरूर कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी डियर स्टूडेंट उस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर लेना। इस तरह हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेम चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अगले लेक्चर के। नाउ फॉर लिविंग दिस लेक्चर डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली हर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।